अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने ज़बर ज़ेर सीख चुके थे और आप लोगों ने अरबी की नोट में लेसन भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम बेस की मश्क को सीखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पेज की मश्क कैसे पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। देखो पेज कैसा होता है, ये ऊपर लगा रहे हैं। पहले हम ज़बर सीख चुके, उसके बाद शेर सीख चुके। ये हो गई मश्क, ये हो गई। हम आगे है पेज की मश्क। पेज अलिफ लिखा जाता है, पहले अलिफ लिखेंगे इस तरह से और उसके ऊपर से पेज बनाएंगे। ये हो गया अलीफ पेस ओ। किस तरह से पढ़ेंगे इसको बच्चों? अलीफ पेस ओ। उसके बाद पढ़ेंगे बा पेस बु। बे लिखेंगे, उसके बाद पेस लगाएंगे। तो ये हो गया बा पेस बु। बा पेस बु के बाद आएगा ता पेस तो। ता के बाद आएगा सा पेस सो। सा पेस सो के बाद आएगा जी जो। उसके बाद हा पेस हो। हा के बाद आएगा खा पेस हो। खा पेस के ऊपर एक नुक्ता आएगा। ये हो गया अलिफ पेस हो, बा पेस हो, ता पेस तो, सा पेस हो, जी पेस जो, हा पेस हो, खा पेस हो। खा पेस हो के बाद आएगा दाल पेस दो। दाल के बाद आएगा साल पेसो। साल पेसो के बाद आएगा रा पेसो। अब आगे बढ़ते हैं सा पेसो, सीन पेसो, शीन पेसो, स्वा पेसो, स्वा पेसो, तोय पेस तो, सोय पेसो, ऐन पेस ओ। ऐन के बाद आएगा ऐन पेस ओ। उसके बाद फा पेस को। फा के बाद आएगा बड़ा फा, फा पेस को। उसके बाद दो नुक्ते और पेस। उसके बाद छोटा का आप उसके अंदर हमजा लगाएंगे, आ पेस को। उसके बाद लाम पेस लो, मीम पेस मो, नून पेस नो, वाव पेस वो, हा पेस वो, हमजा पेस वो, या पेस यो, या पेस यो। देखा बच्चों आपने ध्यान से कि पेस किस तरह से लिखा जाता है? लकीर के ऊपर लिखा जाता है और जेर लकीर के नीचे और जबर लकीर के ऊपर। हमने जबर जेर सीख लिया पेस। चलो मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे। अलिफ पेस को, बा पेस को, ता पेस को, सा पेस को, जी पेस जो, हा पेस को, खा पेस को, दाल पेस दो, जाल पेस दो, रा पेस हो, सा पेस हो, सीन पेस हो, शीन पेस हो, स्वार पेस हो, स्वार पेस हो, तोय पेस तो, जोय पेस हो, ऐन पेस तो, ऐन पेस हो, पा पेस हो, पा पेस हो, ला पेस तो, मीन का पेस हो, ला पेस तो, मीन पेस हो, नोट पेस हो, वा पेस हो, हा पेस हो, हम जा पेस हो, या पेस यू, या पेस यू। बच्चों आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब अपने अरबी की सिंगल लाइन की 200 पेज की नोट के अंदर तुम्हारे घर काम करना है। उसके अंदर हाशिया बनाना है। हाशिए के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे तरफ से हाशिया बनाएंगे। फिर से मैं समझा देती हूँ। गुजराती इस तरफ से लिखा जाता है और अरबी इस तरह से है, अरबी लिख रहे हैं, इसलिए सीधे हाथ की तरफ से हाशिया बनाना है। उसमें इस तरह से लिपि करना है, हाशे में कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे हैं हम अलिफ पेस ऊ से या पे।
ऊतक। इस तरह से हेडिंग मारेंगे और यहाँ से निकुंज लिखेंगे। आड़ी लिपि तो आपकी किताब नोट में होती ही है, उसके अंदर से यहाँ से लिखेंगे अलिफ पेश गु, बा पेश गु, ता पेश तु, सा पेश सु, जी पेश जु, हा पेश हु। इस तरह से अलिफ पेश सु से या पेश यू तक लिखेंगे 5 बार। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप घर काम करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे।